हक ये है कि है अब्दे इला और आ लगे इनका निशान, यानी हकीकत ये है। ये पहले मिसरे में कहा था ना कि हैरा हो ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो है क्या? तो कहते हैं हक ये है कि है, हक ये है कि है अब्दे इला, हकीकत ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और आलमे इनका के शाह और सारे आलमे इंकानियत के बादशाह हैं। बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो ऐसे बरज़ख है, ऐसे दरमियाने वास्ते हैं कि ना वो रब है ना हमारी तरह आम बंदे, वो आलमे इनका के शाह है। इसीलिए दूसरी जगह फरमाया कि इधर उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, ये शान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये कहते हैं ये लोग रसूल को खुदा से बढ़ा देते हैं। बढ़ता वो है कि जब सामने वाला मुकाबिल का मुकाबिल की साथ कोई हद रखती हो, हमारा खुदा खुदा महदूद कुदरतों वाला बने, जब उसकी हद ही नहीं, उसके लिए कोई हद है ही नहीं, उससे कोई कैसे बढ़ सकता है और बढ़ा सकता है। लेकिन आओ देखो कि आला हजरत ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाते मुमकिन मुझे कुदरत कहाँ और वाजिब ने अब्दियत कहाँ। बहुत मुख्तसर मैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुमकिन एक ऐसा लफ्ज है जिसे इशारा किया गया मुमकिन वजूद, यानी जिनका वजूद मुमकिन है, मुमकिन मखलूक के लिए कहा जाता है और वाजिबुल वजूद अल्लाह के सामने। ये मुमकिन और वाजिब से मुराद फर्ज वाला वाजिब नहीं है, मुमकिनुल वजूद जिसका वजूद होना मुमकिन है, और मुमकिन किसका वजूद है जो मखलूक है, और वाजिब जो हमेशा से हो हमेशा रहे,
वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ना वो उसे ओग आए, ना उसे नींद आए, ना उसे कोई फला कर सके, ना वो खुद अपने आप को फला करे। वो इस सारे अयूब से कमियों से पाक है। मुमकिनुल वजूद यानी मखलूक, वाजिबुल वजूद यानी अल्लाह। अल्लाह की शान ये है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन पर कादिर है। अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, बंदा हर मुमकिन और चाहे पर कादिर नहीं। बंदा बहुत मजबूर है, बहुत मामूली इख्तियार बंदों को, बाकी बंदा मजबूर है, मजबूर है, मजबूर है। अल्लाह कादिर है, मुक्तदिर है, मालिक है, मुख्तार। वो वाजिबुल वजूद अल्लाह। इस पूरी कायनात को पैदा करना हुआ, रब ने कहा कुन फयकून, हो जा, हो जाती है वो चीज। अल्लाह ने पूरी कायनात को लफ्ज़ कुन से पैदा कर दिया। इस कारखाने गीती को अल्लाह ताला ने सिर्फ इरादा फरमाया और हो गई। ये है अल्लाह की शान। और इसमें जो तखय्युर और तसर्रुफ किसी को अगर हासिल है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को हकीकी तखय्युर और तसर्रुफ का हक हासिल। लेकिन इस रुपये जमीन पर जो मुमकिनुल वजूद में सारी मखलूकात में हमें एक ऐसी जात भी नजर आती है कि जो वो इख्तियार रखती है तो सारी मखलूकात मिलकर भी नहीं रह सकती। अल्लाह ने सूरज को मशरिक से मगरिब की तरफ चलाया, अब मगरिब से मशरिक की तरफ सूरज चला सकता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत चला सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, ये नमरूद अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल के दिखा। नामुमकिन है ये बात, लेकिन नबी ये पाक की नाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरबार नमरूद में पढ़ दी थी कि पूरी मखलूकात सारे मुमकिनात मिलकर, सारे मुमकिनुल वजूद मिलकर जो काम नहीं कर सकते मेरे आका की उंगलियों के इशारे पे वो काम कर, जो नामुमकिन है। आका करीम जमीन पे खड़े होंगे, इशारा करे तो सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चार, अंधे नचती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नबी ये पाक की शान हो कि चांद को इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए। अब सवाल ये है कि जो मुमकिन है, मुमकिनुल वजूद साथ है, जो मखलूक है, उनमें ये कुदरत कहाँ से आ सकती है? अला हम सवाल कायम कर दें, मुमकिन नहीं है कुदरत कहाँ कि सूरज को पलटावे, चांद को दो टुकड़े करे, पत्थरों से कलमा पढ़वावे, दरख्तों को चलावे, पूरी कायनात पर हुकूमत फरमावे, मुमकिन नहीं है कुदरत तो हो नहीं सकती। अरे मुर्दे जिलाया कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने, मेरे अक्का अलैहि सलाम ने बेजान कंकरों से कलमा पढ़वाया, मुमकिन नहीं है कुदरत कहाँ। लेकिन आका करीम की शान वो कि ये सारी कुदरतें साहिर फरमा रहे हैं, अगर जे अल्लाह की अता से जाहिर फरमा रहे हमारा अकीदा ये है। अब वाजिब में आप दीजिए कहाँ, जो वाजिबुल वजूद है, जो अल्लाह की जात है, उसमें बंदगी के कोई तसव्वुर भी नहीं, वो बंदा नहीं हो सकता। आला हजरत फरमा रहे मुमकिन में यह कुदरत कहाँ और वाजिब में अब्दियत कहाँ। बहुत बहुत, जो वाजिब है वो बंदा हो नहीं सकता, और मेरे आका बंदे हैं और यकीनन अल्लाह के बंदे हैं। हम तो कलमा यही पढ़ते हैं, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। हम रिसालत से पहले नबी की बंदगी का एतराफ करते हैं, ऐलान करते हैं। तो वाजिब अगर कोई इन कुदरतों को देख कर कहे कि नबी की जात वाजिबुल वजूद, तो ये गलत। इसलिए गलत कि वो बनते हैं, और अगर बनते हैं अब तो हैं, फिर ये कुदरतें कहाँ से आई, एक सवाल था। आला हजरत ने इसकी एक और बहुत प्यारी मिसाल दी कसीदे मेराजिया, उसमें भी कहा था कि हिजाब उठने में लाख पड़ती,
हरे पर्दे में लाख जल रहे अजब घड़ी थी के वस्त्र फुटा जरों के बिछड़े गले मिले अजब घड़ी थी के वस्त्र फुटा जन्म के बिछड़े गले मिले थे और वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन वही है जाहिर वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ ले अब्द और महबूब का जो मामला था कि मेराज की शब ये जो अल्लाह और रसूल का अल्लाह ने अपने महबूब को शर्फ मुलाकात बख्शा था उसमें भी फरमाया कमान और इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर की फेर में हो मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। बहरहाल उसमें बहुत सारे अशआर हैं वक्त की तंगी से मैं पेश नहीं कर सकता जिसमें आला हजरत ने साबित किया है रब रब है मुस्तफा उसके बंदे अल्लाह अल्लाह है रसूल अल्लाह उसके बंदे है उसकी मखलूक हम मुस्तफा प्यारे को रब की मखलूक मानते हैं लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये कुदरतें देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियारात मुस्तफा को देख कर कोई कम अक्ल सोच सकता है कि ये तो अल्लाह की शान है ये अल्लाह की सिफात है ये कुदरतें तो अल्लाह ही में हो सकती है लेकिन जब देखने वाला ये देखता है कि वो वाजिबुल देखने वाला ये देखता है वो वाजिबुल वजूद तो नहीं है अल्लाह के नबी वो तो मुमकिनुल वजूद है इसलिए कि वो अल्लाह के बंदे हैं जिंदगी भर अपनी रब की बंदगी का एतराफ फरमाते रहे अब तकलीफ जहन में एक सवाल उठा कि मुमकिन में यह कुदरत कहां वाजिब में अब्दियत कहां हैरा हूं ये भी है खता ये भी नहीं वो भी नहीं कहते मैं हैरान हूं कि मैं नबी को क्या कहूं इसलिए कि ये भी बहुत बड़ी खता है कि हम नबी को वाजिब कहें और ये भी खता है कि सिर्फ और सिर्फ मुमकिन कहें इसलिए कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी रब ने उन्हें सिफत अता फरमाई है कि इधर अल्लाह से वासिल इधर मखलूक में शामिल इधर अल्लाह से वासिल इधर मखलूक में शामिल वो जात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितना प्यारा शेर है मुमकिन में ये कुदरत कहां वाजिब में अब्दियत कहां हैरान हूं ये भी है खता यानी ये कहना भी खता है कि वो वाजिब भी नहीं है मुमकिन भी नहीं इसलिए है ये खता है कि यकीनन नबी मुमकिन है बंदे हैं अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह ताला हम सबको नबी की सच्ची शान समझने की तौफीक अता फरमाए अनवर भाई भी इसी शेर को पढ़ दे मुमकिन ये कुदरत नहीं सब